Question number 2, I start. Let u equal to I plus 2j minus k and v equal to minus 3i minus 2j plus 2k and w equal to 5i minus j plus ck. Find the integrate vector r number. अब यहाँ पे जो आप लोगों का जो selective portion में ये mention है एक बार 3v minus plus w vector का whole magnitude. इसको मैग्नीट्यूड भी कह रहे हैं, ठीक है? ये वर्टिकल लाइन ये डिपेंड करती है आप किस सेंस में पढ़ना चाह रहे हो. अगर आप लोग मैट्रिसेस में देखते हो तो इसको डिटरमिनेंट कहा जाता है, ठीक है? अगर आप लोग इसकी वेरिएबल में देखते हो तो इसको आप लोग रिलेटेड वेक्टर की फॉर्म में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सी आप यहाँ पे वेक्टर है. वेक्टर ऑटोमेटिकली अगर फिजिक्स में आप लोग पढ़ रहे हो तो फिजिक्स की फर्स्ट ईयर का सेकेंड चैप्टर में जो स्केलर एंड स्केलर वेक्टर भी है और दूसरा स्केलर भी है और वेक्टर भी है उनमें ये बातें डिस्कस हैं, ठीक है? आप याद करना मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था ये बात मेंशन की थी और आपको बताई भी थी वेक्टर को तीन तरह से हम लोग मेंशन कर सकते हैं. या तो वेक्टर के ऊपर एरो का साइन हम लोग मेंशन करते हैं, या तो वेक्टर को बोल्ड लेटर में मेंशन करते हैं, या तो वेक्टर के नीचे लाइन मेंशन करते हैं. ये देखिए यहाँ पे ये लाइन मेंशन की हुई है, ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस सेंस में उसको लिखना चाहोगे. सबसे पहले आप लोगों ने ये फाइंड करना है, इनर फंक्शन फाइंड करना है, सी वी प्लस डब्ल्यू ये फाइंड करना है. उसके बाद आप लोगों ने इसका रिलेटिव वेक्टर कैसे फाइंड करना है. सो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक वेक्टर यू इक्वल टू आई प्लस टू जे माइनस के v equal to 3i minus 2j plus 2k and w is equal to 5i minus j plus 3k. आप लोगों ने सबसे पहले ये इनर फंक्शन को फाइंड कर देना है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. पहले 3v plus w magnitude 3v plus w फाइंड करता हूँ. अब थ्री बी प्लस डब्ल्यू क्या मतलब है, थ्री इंटू वी की वैल्यू प्लस डब्ल्यू की वैल्यू. सो आई राइट थ्री इंटू थ्री आई माइनस टू जे प्लस के प्लस अब डब्ल्यू की वैल्यू मेंशन करें फाइव आई माइनस जे प्लस सी के. आप आई वाली वैल्यू को कंबाइन करें उसके बाद जे वाली को उसके बाद के वाली को. सो दिस इज इक्वल टू थ्री बी प्लस डब्ल्यू. पहले इस थ्री को इनर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें नाइन आई माइनस सिक्स जे प्लस सिक्स के प्लस फाइव आई माइनस जे प्लस सी के. 3b minus plus w of 9i plus 5i 49 49 आपके पास ये फॉर्म बनी. उसके बाद सुनना मेरी बात, अभी मैंने थ्री बी प्लस डब्ल्यू फाइंड किया है. आप उसके बाद ये करते हैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं. ये यहाँ पे छोटा सा फार्मूला मेंशन करता हूँ. अगर आपके पास ये हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इसको मैं कोई भी वेक्टर यू का नाम देता हूँ इसका कहा जाता है ये फाइंड करें. जब मैग्नीट्यूड फाइंड करें जिस तरह ये है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. आपने आई जे और के जो कोफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर और उसका रूट ले लेना है. तो आपके पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. जब ये करेंगे तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी, ठीक है? तो आपके पास अब इसका भी हम लोग ने थ्री वी प्लस डब्ल्यू this is equal to root of 14 square plus into minus 7 square plus 9 square.
तो आपके पास बना 3b प्लस w, ये बताएं 14 किसका स्क्वायर बनता है? 14 ये होता है 196 प्लस माइनस प्लस होता है 7 होता है 49 प्लस 81 इसको आप कंबाइन करें भाई आपके
पास है b अपन रूट ऑफ 29 और ये है आपके पास 4 अपन रूट ऑफ 20 एंड ये आपके पास है।